नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मल यादव है। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा जो आपको अपने आप से परिचय कराएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे अंदर दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। एक तो होता है हम पॉजिटिव, दूसरे होते हैं हम निगेटिव। यानी मैं निर्मल यादव एज अ पॉजिटिव, मेरे अंदर में क्या एटीट्यूड है, एज अ निगेटिव मेरे कैसे थॉट जनरेट होते हैं। तो जब हम फेलियर्स के दौर में होते हैं, जब हम निगेटिव सोचते हैं, तो हमारा निगेटिव निर्मल हावी हो जाता है और अभी तक के जितनी लाइफ में फेलियर्स हुए हैं उसको रिकॉल कराने लगता है कि देख तूने ऐसा किया था ना, तुझे उसमें फेलियर मिला था, ये मत कर। देख तूने वैसा किया था, वहां पर तू जा रहा था तो तेरे को लॉस हुआ था, इस तरह से किया था तो तेरे को ये निगेटिव रिजल्ट मिला था, इस तरह से वहां पर किया था तो तुझे ये नुकसान हुआ था, तेरे फैमिली फ्रेंड्स ये वो, तूने परीक्षा में अटेम्प्ट किया था बट फेल हो गया था। यानी कि जब हमारा निगेटिव थॉट, जब मेरा निगेटिव निर्मल एक्टिव होता है, उस समय मैं हमेशा निगेटिव वाले स्टेट में रहता हूं। तो हम ऐसे लोगों को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो हमें निगेटिव थॉट देते हैं, जो हमें निगेटिव एनर्जी देते हैं, जो हमें अपने निगेटिविटी को और स्ट्रांग करने में मदद करते हैं। और दूसरा कैरेक्टर होता है पॉजिटिव, यानी कि जब हमारे अंदर से वो निगेटिव कमजोर होने लगता है। ये कब कमजोर होगा? जब आप अपने पॉजिटिव थॉट को स्ट्रांग करोगे। यानी छोटी मोटी आपने अचीवमेंट किया है तो उसमें आपको अपने आप को अप्रिसिएशन देना है। जब आप एक चीज के लिए अप्रिसिएट करोगे, दूसरा चीज आके खड़ा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव निर्मल खड़ा हो जाएगा और बोलेगा हाँ यार, उस समय तो तूने ऐसा किया था, देख तेरे को इतना छोटा सा काम के लिए इतना बड़ा अप्रिसिएशन मिला था, वहां से तूने ये किया तो तेरे को इतना अचीवमेंट मिला, ये किया वो किया। यानी कि जब हम अपने दो टाइप के कैरेक्टर में से किसी एक कैरेक्टर को हवा देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। तो हमें जानबूझ के अपने निगेटिव कैरेक्टर को लो रखना है, पॉजिटिव कैरेक्टर को हाई रखना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि निगेटिव कैरेक्टर को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि इन निगेटिव कैरेक्टर से आपको जहां जहां फेलियर मिला है वहां से आपको लर्निंग लेना है और लाइफ में पॉजिटिव कैरेक्टर को स्ट्रांग करते हुए अपने आप को उसमें बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, हम अपने दोनों तरह के कैरेक्टर से वाकिफ होते हैं, बट कहीं ना कहीं जब हम निगेटिविटी में रहते हैं तो हम अपने आप को लो एनर्जी देते रहते हैं और तब हम अपने आप को बेचारा फील करने लगते हैं। जब हम अपने आप को बेचारा फील करते हैं, आसपास के लोग भी हमारे पास आ जाते हैं हमको बेचारा फील करने के लिए, और उस समय हमारे हर तरह से निगेटिविटी हमारे चारों तरफ छा जाती है और हम अपने निगेटिविटी को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जब डिप्रेशन, लो एनर्जी, सारी चीजें हावी हो जाती है। और जब आप लो एनर्जी में रहते हो तो बीमारियों का घर हो जाता है। तो अपने पॉजिटिव कैरेक्टर को स्ट्रांग करना है। आपने छोटी सी भी अचीवमेंट की है उसको हमेशा पॉजिटिविटी के तौर पर रिकॉल करते रहिए। आप अपने आप को बोलिए कि आई एम द पावरफुल, आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अपने आप को जबरदस्त वाली फीलिंग दो, जबरदस्त वाली एनर्जी दो, आप देखोगे तुरंत आपका एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि बदलाव क्षणों में होता है, चेंज happens in a moment, एक क्षण में बदलाव हो जाता है। और वो बदलाव अगर आपके माइंड में हो गया, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में हो गया, तो आप बदलाव करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो क्या आप अपने आप को बदलाव के लिए प्रेरित करना चाहोगे? अगर प्रेरित करना चाहते हो तो निगेटिविटी से सीख लो, अपनी गलतियों से सीख लो, सबक लेके पॉजिटिविटी में उसको इंप्लीमेंट करोगे। कैसे? मैं गलतियों से सीख के वापस से गलती ना दोहराऊं और अपने लिए बेस्ट कैसे परफॉर्म करूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे दो कैरेक्टर्स को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए, हर बार मेरे इस चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।